रहा है, मजा आ रहा है, मुझे भी ऐसे ही मजा आ रहा है। रात से देखने को कल से नहीं, 11 तारीख से जब से दौरा शुरू किया तो ऐसी उमस लग रही थी, ऐसी उमस लग रही थी कि हम यही सोच रहे थे कि गांव में जाएंगे, सब लोगों से मिलेंगे, गर्मी में लोग बैठ कैसे सकेंगे। परंतु जो इंद्रदेव ने बात सुनी और जो पानी देना शुरू किया कि पानी पड़ रहा है, आप भी मस्ती कर रहे हैं, हम भी मौज कर रहे हैं, किसान भी खुश है, सब लोग खुश होते। इसलिए मैं तो सिर्फ आप लोग सबसे प्यार करने आई हूँ और इतना ही कहने आई हूँ कि सब मेरा परिवार, इस परिवार के सब लोगों को बहुत सारा प्यार सबसे पहले। और आपको ये विश्वास दिलाऊं, जब ईश्वर पे कोई विश्वास रखता है ना तो ईश्वर थप्पड़ मार के देता है। और इसलिए हमने आपने इस ईश्वर पे विश्वास किया है, ये विश्वास ही राजस्थान को प्रगति के पथ पे ले जाएगा। यही विश्वास है जिससे एक नया राजस्थान बनेगा, एक ऐसा राजस्थान जिसमें आपने जो सपना देखा था वो सपना पूरा करने में हम और आप कामयाब होंगे। तो सबसे पहले आपकी क्या मुसीबत, पीने के पानी जो मेरे पास आई है खबर, वो सबसे पहले ये खबर थी कि सादुल शहर के अंदर पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत, क्या ये सही है? यहां तक बताया कि शहर के 30 जोन है, 30 जोन को आधा 10-10 जोन के अंदर बांटने के बाद पानी की आपूर्ति की जाती है और एक जोन का नंबर 7 या 10 दिन के बाद आता है, क्या ये सही है? ये मैं आप लोग सबको बताना चाहती हूँ, मैं माता बहने सबको कह रही हूँ कि पानी का इंतजाम करना ये हमारा काम है और जिम्मेदारी के साथ हम आप लोगों को पानी ला के पिलाएंगे, ये आप विश्वास करिए। 1982 में कांग्रेस ने एक पानी की स्कीम चालू करने की बात की थी, एक थी कुम्भाराम की लिफ्ट सिंचाई योजना, आपको सबको मालूम होगा, और वो 25 साल तक नहीं बना। सुन लो मेरी बात, 25 साल तक वो नहीं बना, बोलते गए 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 15 लाख, ऐसे करते करते 25 साल निकाल दिए और 25 साल तक उसको बनने नहीं दिया। हम लोगों ने 58 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से दिए और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पापी कांग्रेस ने उसको फिर भी पूरे नहीं होने दिया, 4.5 साल उसको फिर भी बंद रखा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह सिंचाई का पानी कुम्भाराम के सिंचाई योजना के द्वारा आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसके पैसे अलग रखने हैं, तो आपको देगा। उसी तरीके से मूंगी परियोजना के साथ जोड़ने का काम हम लोग शुरू करने वाले हैं, 468 करोड़ रुपया का काम था वो, और वो 468 करोड़ रुपया को साथ में प्लानिंग में हम लोगों ने रखा था, सरकार ने उसको निरस्त किया और अब एक साल पहले उसको फिर चालू करने का काम किया है। मैं इसको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 8 दिन तक वो पानी आ जाना चाहिए था, आप लोगों को पीने चाहिए था, पर जो नहीं हुआ तो वो हम लोग करेंगे, उसकी आपको वो भी चिंता करने की जरूरत है। बताओ बिजली मिल रही है? बिजली नहीं मिल रही है? मुझे तो ये बताया कि इसकी अघोषित कटौती होती है, कभी कभी आती है, कभी कभी जाती है, न किसान को मिलता है न महिला को मिलता है। मैंने अपने समय में एक घरेलू बिजली की लाइन अलग से बनाई थी, माता मैंने जाते जाते उसको 18 घंटे तक लाने का प्रयास मैंने किया था। आज मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोगों को घर के अंदर बिजली 24 घंटे लाने का काम करने वाले हैं, घरेलू बिजली का सिंगल फेज की लाइन आप तक पहुंचेगी, इसकी चिंता नहीं करें। फिर साधुपुर के अंदर सीएचसी के अंदर महिला डॉक्टर है क्या? आपको फ्री दवाई मिल रही है क्या? आपकी मुफ्त जांच हो रही है क्या? आपके
स्त्री रोग को छोड़ के और कोई डॉक्टर है क्या? जितने डॉक्टर होने चाहिए है क्या? नहीं ना। मैं सब तू ये कह रही हूँ, जयपुर के अंदर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि हमने तो दवाई दिलवा दी, मुफ्त दिलवा दी, हमने जांच भी मुफ्त करवा दिया। जब डॉक्टर ही नहीं है तो कहाँ से जांच होगा और कहाँ से मुफ्त दवाई? कौन लिखेगा मुफ्त दवाई? ये है कांग्रेस का काम। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये सब दूर जहां मैं गई हूं वहां मैंने ये देखा है। इसलिए एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो काम नहीं कर रही है इन सब को ठीक करने के लिए आप लोगों के इस अस्पताल को फिर से ठीक कराया जाएगा। डॉक्टर का इंतजार भी कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। सबसे बड़ी समस्या अस्पताल तक पहुंचने की आपके वो ब्रिज का काम है, तो ओवर ब्रिज का काम है। अगर वो नहीं होगा तो आप लोग वहां कितने भी बीमार हो वहीं अटके पड़े रह जाओगे जब तक वो काम नहीं होता है। और ये काम तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करना होगा, परंतु हमारी तरफ से हम पूरी तरह से इसको कोशिश करने का काम करेंगे, क्योंकि अस्पताल तक पहुंचने का अगर कोई उसी में मर जाता है तो उससे बहुत कुछ बदलेगा। आपकी एक बहुत बड़ा समस्या जो मेरे को बताया, एमपी साहब ने बताया, एमएलए साहब ने भी बताया, वो ये है कि शहर के अंदर के पानी का निकासी। अब की बरसात हो रही है, हम लोग सबको बड़ी खुशी हो रही है, परंतु पानी भी भर रहा है। अब उस पानी के निकासी का काम भी कराना एमपी साहब और एमएलए साहब मेरे को कह रहे हैं बहुत जरूरी है। और अगर हम लोगों ने ये काम बीकानेर में कर लिया और ये काम हम लोग सफाई का भरतपुर में करने की शुरुआत से थे, तो ये भी काम ये हमको वहां दिलाएंगी, उसको हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहती हूं। आपके ये नेशनल हाईवे पे मैं आई हूं चूरू से चला के यहां तक, और आपका जो एंट्री है वो इतना शानदार है कि उसको देख के हम खुश हो गए। अरे एंट्री साहब, ऐसे गड्ढे, पूरा का पूरा वो ब्लैक टॉप आपका जो है डामर, वो ऐसे प्यार से उखड़ा है। तो मैंने ये कहा कि आज दिल्ली की सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो जयपुर की सरकार कौन जरूरत को ठीक करेगी? देख रही, अभी मैं एक संभाग में जा रही थी तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कितना अच्छा है, देखो काला काला से चलता है, डामर कितना बढ़िया लग रहा है। उन्होंने कहा, मैडम आगे आगे बनता जा रहा है, पीछे पीछे वो घटता जा रहा है, देखते लेना। पूरी सड़कों का राजस्थान के अंदर ये हाल है, जहां भी चले जाओ अंदर की सड़कें बाहर की सड़कें सब पूरे मरम्मत के बिना वैसे की वैसी पड़ी हुई है। और ये सरकार की हालत है, मेरे को तो ये बताया कि पिलानू और सातू मार्ग की सड़कें जर्जर हालत में है। मैंने इनको ये कहना था खाली ये दो नहीं है, पूरी निगाह दौड़ा के देख लो आपके पूरे क्षेत्र के अंदर ऐसी है। बीकानेर संभाग ही नहीं, पांच संभाग में देख रही हूँ, पांचों संभाग के अंदर मेरे को यही मिला है। और मुझे आज यही विश्वास है कि आने वाले दो संभाग के अंदर भी मेरे को यही मिलेगा। अब मेरे को बताओ कि साढ़े चार साल तक कोई काम नहीं की ऐसी सरकार जिसने हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं रोजगार का इंतजाम नहीं किया, उन नौजवानों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं, आज कर्मचारियों के पद खाली पड़े हुए हैं। वो इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि कोई परीक्षा लगाई गई है, कोई टेट नाम की परीक्षा। मेरे बहुत सारे युवाओं ने मेरे को ये कहा कि अगर ये टेट की परीक्षा हट जाती है तो हमें बहुत सारे लोगों को नौकरी का और हमें परीक्षा में बैठने का एक मौका भी मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर और पहले भी हमको ये टेट की जरूरत नहीं पड़ी थी, और इसीलिए जब नहीं पड़ी थी पहले भी तो मैं समझती हूँ कि आगे भी राजस्थान के लिए टेट की जरूरत नहीं है। और हम आपको हटाने का काम करके हमारे युवाओं को आगे ले जाने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारी महिलाओं को मैंने देखा है पूरी तरह से असुरक्षित है। हमारी बेटी अगर स्कूल जाती है तो हमारा दिल ऐसे धड़कता है जब तक वो घर वापस नहीं आती है। ऐसे ऐसे अत्याचार राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, रोज चेन खींचने से लेके बलात्कार तक कोई कमी नहीं हुई है। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो परिवार के मुखिया लोग अपने बहन बेटियों की इज्जत को संभाल नहीं सकते, उनको चुल्लू पर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। उनको कोई हक नहीं है सरकार चलाने का।
इसके साथ साथ हमारे किसानों की हालत देख लो। आज किसान पहली दफा राजस्थान में आत्महत्या की कगार के ऊपर आके खड़ा हो गया है। राजस्थान में आत्महत्या कभी नहीं होता था, क्यों ये महाराष्ट्र में, आपके आंध्र प्रदेश में यहाँ हो जाता था, परंतु राजस्थान के किसान ने कभी ये कदम नहीं उठाया था। आज बिजली नहीं, पानी नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं, सही तरीके से मूल्य नहीं मिलता है, तो किसान परेशान होकर उस स्थिति में आ गया है जो उन दो प्रदेशों के किसान आ गए। मध्य प्रदेश के किसान को भाइयों मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, जब वो अपना सामान ले जाते हैं बेचने के लिए तो उनको टेलीफोन के ऊपर SMS आता है कि आपका नंबर आ गया, अब आप आइए और अपना डिलीवरी कीजिए। ये मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है तो राजस्थान के अंदर क्यों नहीं हो सकता है, ये मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ। और हमारे किसानों की हालत आप गुजरात के अंदर देख लीजिए और मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, कहां से कहां को पहुंचा दिया है। और 15 साल में गुजरात ने किया है, 10 साल में मध्य प्रदेश ने किया है, और हमने 63 साल में से हमारे 5 और भैरव सिंह जी के साथ निकाल दो तो 53 साल कांग्रेस को दिया है। उधर 15 साल में गुजरात आगे बढ़ गया, इधर 10 साल में आगे बढ़ गया, और 53 साल में हम लोग ऐसे ही गड्ढे में पड़े हैं। क्या उनको, क्या ऐसे लोगों को सरकार में बैठने का हक है? नहीं है। हम लोगों को मिलके इस सरकार को हटाना है और एक ऐसी नई सरकार को लाना है जो आप लोगों के साथ आगे काम करेगी। ऐसी सरकार को लाना है जो हमारे युवाओं को रोजगार का इंतजाम, हमारे किसानों को मजबूत और हमारी महिलाओं को सुरक्षित करने का काम करेगी। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि पद भरेंगे, नौकरियां देंगे, राजस्थान के अंदर खाली पद रहने की किसी की जरूरत नहीं है, बस भरने से ही काम होगा। क्योंकि अगर हमको विकास करना है तो हमारे विकास के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, इन सब व्यक्तियों को जोड़ने की जरूरत है। मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हाथ में जादू नहीं है, परंतु ईश्वर की कृपा हम सब पे है, और हमारा ये एक परिवार है कि 36 के 36 कौम और सब मजहब को लेके प्यार से हम लोग चलेंगे। राजस्थान को एक परिवार के रूप में बना के विकास के पथ में ले जाने का काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अकेले नहीं, ये पूरा परिवार जब चल पड़ेगा तो राजस्थान में ऐसा कायापलट होगा कि जिस तरीके से इतिहास में हमारा नाम लिखा जाता है उसी तरीके से फिर लोग राजस्थान को देखने के लिए आएंगे। हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा, हम लोग कलंकित नहीं होंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि कहाँ चेन ज्यादा खींचती है, जाओ राजस्थान देखो, कहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, जाओ राजस्थान देखो। हमको फिर से स्वाभिमान वापस देने का काम ये नई सरकार करेगी। हम मिलके अपने स्वाभिमान को बनाएंगे, एक ऐसा नया और सुंदर राजस्थान बनाएंगे जिसमें हम सबके लिए जगह होगी, सबके लिए जगह होगी। मैं तो अभी कहती हूँ कि मेरा तो काम यह है, मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मैं एक की तो बहू, दूसरे की बेटी, तीसरे की समधन, और कोई होते हैं मैं तो एक ही तो बेटा हूँ, और चार होते ना तो सबको लपेट लेती, सबको लपेट के और राजस्थान को प्यार के साथ आगे ले जाने का काम करती। अब आएगा 4 महीने बाकी बचे, इन 4 महीने के अंदर आपके बीच में ये लोग आएंगे, डराएंगे, लुभाएंगे, धमकाएंगे। सबसे पहले रेवड़ी बांटेंगे, उनसे ये पूछिए कि रेवड़ी बहुत अच्छी लगी हमको, परंतु 4.5 साल क्यों नहीं बांटी, इस 4 महीने क्यों बांट रहे हो, अगर बांटनी थी तो पूरे 5 साल हमको देते। आज हम लोगों को वंचित करके लास्ट 2 महीने में आप लोग इस तरीके से हमको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी CBI को बुला के लाए तो CBI से डराया, गुलाब जी को डराया, हम लोगों की इंक्वायरी करवाई, हमारी फाइलें खोल दी। हम आपसे भी आएंगे, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं उन पे भी आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, परंतु इस परिवार को अगर मजबूत और स्वाभिमानी रखना है तो तैयार हो क्या डरने को? इसकी हिम्मत है क्या? अगर हिम्मत है और लड़ने को तैयार हो तो दोनों मुट्ठी ऊपर करके मुझे बताओ। और दोनों मुट्ठी मैं इसलिए कह रही हूँ दोनों मुट्ठी, क्योंकि अगर ऐसा खोलोगे तो ये तो वो खूनी हाथ है जिसने महिलाओं पे अत्याचार ढाया है, वो खूनी हाथ है जिसने लोगों के गले दबाए हैं, और आज वो खूनी हाथ है जो आज भी आपके जेब को काट रहा है। ऐसा जोरदार भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर फैला के रखा हुआ है,
आज जो पैसा आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं बल्कि इनके बीच में बट रहा है। ऐसे लोगों को हटाने का काम चाहे वो हमको लुभाए चाहे वो हमको डराए, ये परिवार हिम्मत के साथ आगे चल के अपना काम करने का काम करेगा। यही विश्वास के साथ जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं एक चीज है किसानों से पूछना चाहती हूँ, बताओ किसान भाई, अरे तो बरसात आ गई बहुत अच्छी बात है, परंतु जब पाला पड़ा था, जब बोले पड़े थे, नुकसान हुआ था आपके यहाँ? नुकसान हुआ था ना, आपको मुआवजा मिला? जयपुर में तो इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन है कि आपको तो बिजली के दाम कम कर दिए, जो 5 बार नहीं 8 बार बढ़ाए सरकार ने बिजली के दाम आपके कम कर दिए, आप लोग सबको पैसों का मुआवजा दे दिया, इसे पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, आपको मिला क्या? मेरे को तो ये बताया कि आपको 2-2 हजार रुपए तक भी पहुंच गए। अरे शर्म आनी चाहिए, कौन 2-2 हजार रुपए देगा और किसान लेगा उसको? ट्राई बनेगा, इतना जोरदार तो पाला पड़ा, इतनी जोरदार आपकी प्रॉब्लम हुई, उसके बाद एक कौड़ी भर भी आपको किसी तरीके का मुआवजा नहीं मिला है। ये है वो सरकार, ये पैसा जो आना चाहिए था वो सब खा रहे, वो खुद खा रहे हैं, आप तक वो पहुंच नहीं रहा है जो पहुंचना चाहिए था। अच्छा एक चीज और बता दो, सहकारिता और सहकार भंडार की ओर से 1,50,000 रुपए का लोन किसान को मिलना चाहिए बिना ब्याज के, या कितनों को मिला? ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी को तो मिला होगा, और जिसको मिला है उसको 1,50,000 तो नहीं, 50,000 मिला होगा, 1,00,000 वाले लोगों के बीच वो भी नहीं मिला। अच्छा एक चीज बताओ, 1 रुपया किलो के हिसाब से किसी को गेहूं मिला? वो भी नहीं मिला। 1 रुपये किलो के तक 3 महीने से गेहूं आया ही नहीं, बढ़िया है, आपको जरूरत ही नहीं हुई होगी। वो तो नहीं, तो इसको मतलब इसका मतलब वो भी नहीं मिला। अच्छा मकान बनाने के लिए, मैंने कमरा बनाने के लिए 50-55 हजार रुपए सरकार देती है, वो कह रही है वाह हमने दिया है बीपीएल परिवारों को, किसी को मिला? अभी पेपर में आया, शायद बीकानेर की कहानी मेरे को याद नहीं आ रही, उन्होंने ये बताया कि 125 लोगों को 50,000 रुपए का इस तरीके से इन्होंने पैसा दिया, तो वो पहले किस्त को लेके अपना मकान तोड़ के और काम करना शुरू कर दिए। अब पहले किस्त के बाद पैसा नहीं आया, तो पैसा नहीं आया, बरसात आ गई, बरसात भी आ गई, कमरा बना नहीं, तो बेचारे को एक किस्त को तो आपने उसमें लगा दिया, कमरा अपना तोड़ दिया, अब जाके किराए पे किसी के यहाँ रह रहे हैं, सोचो बेचारों की क्या हालत हो रही होगी। ये तो स्थिति है इस सरकार की, उसने कभी सोचा नहीं है कि जनता का क्या होगा, पहले तो ये सोचती है कि हमारा क्या होगा, और जो राजा अपनी प्रजा का सोच नहीं सकता और जो राजा अपनी प्रजा की मुसीबत में शरीक नहीं हो सकता, ऐसे राजा को उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है भाइयों बहनों। तो इसीलिए अब आपके बीच में आके आपको कहेंगे ले जाओ पेंशन के फॉर्म, अरे तुम पेंशन के फॉर्म पहले क्यों नहीं दिए, क्या कर रहे थे? यही मैं पूछ रही हूँ, अभी तुमको पेंशन के फॉर्म याद आ गए? भीलवाड़ा के गांव ने मेरे को बताया कि पट्टा देने की बात कर रहे हैं, तो रात के 12 से 4 बजे तक क्या पट्टे दे रहे थे? 38 ग्राम पंचायत से 27 ग्राम पंचायत को कुछ नहीं, और 11 ग्राम पंचायत रात को बैठ के वो SDM तहसीलदार और जो जो भी थे उनके साथ क्या कर रहे थे रात के 12 से 4 बजे तक? पट्टे कौन से पट्टे दिल रहे थे, क्या हो रहा था वहां? ये किस तरीके से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इस पद्धति के तहत, मैंने एक और है, ये VCR भरा जाता है, इस VCR के अंदर सब पूरे बिल का रिजल्ट तहस नहस हो चुका है। गरीब आदमी का जहां 2,000 का बिल हो या 400 का बिल हो, 4 लाख का बिल, 2 लाख का बिल, ऐसे कैसे हो रहे हैं? मैं सबको आगाह कर दिया है कि ये सरकार वापस आती है तो मैं आपको ये कह दूं कि जिन लोगों ने ये किया उनको पहले दंडित होगा, और दंडित करने के साथ साथ जिनके पैसे ऐसे लूटे गए उनको पैसा वापस दे दिया जाएगा, ये मैंने तब दूर ऐलान कर दिया है। कोई भी रक्षक भक्षक नहीं बन सकता, और अगर वो बनता है तो उसको वो कुर्सी पे वो नहीं बैठ सकता, ये हिसाब किताब हम लोगों को पहले से ही करना है। मैं आपको कह दूं कि ये लोग अभी मेरे को ये कह रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मुसलमान के वोट तो हमारे जेब में है,
और एससी के वोट हमारे जेब में है। किसी के वोट किसी के जेब में नहीं होते। सबको ध्यान ये होना चाहिए, सबका काम उसके विकास के साथ है और वो विकास के साथ और अपने स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। किसी के साथ अगर उन्होंने बेइज्जती की तो वो लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं होंगे, वो उनकी खिलाफत में जाएंगे। और ये परिवार के साथ जुड़कर मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग एक नया राजस्थान मिलकर बनाएंगे। ठीक है, ये मेरे को बताते हैं कि फसल खराबे के तो प्रीमियम ले लिए गए हैं, सही है, प्रीमियम ले लिए हैं और आपका प्रीमियम लेने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया और कोई बोला ही नहीं है। आपने तो हाउस में लिया है, पर यहाँ धरना प्रसाद तरह कुछ, मैंने इनको तो ये चिंता नहीं है, वो सोचते हैं कि हमको तो कुछ भी कर लो, जनता को हम अपने कब्जे में बाद में ले लेंगे। मनमोहन सिंह ही सब कहता है कि मेरे जेब में पैसे ऐसे थोड़ी हैं, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। हम लोगों ने उनको यही जवाब दिया कि पैसे आपके पेड़ पे नहीं उगते, तो याद रखना जब वोट का टाइम आएगा तो वोट भी हमारे पेड़ पे नहीं उगते। ये भी हम देंगे, ये तो सब एक एक पाई का हिसाब अपने को लेना है, ये विश्वास करना। लड़ाई लड़ने के लिए तो हम आपके साथ आगे खड़े हैं, हमें चिंता नहीं है न डर है, परंतु हमारे परिवार, हमारा परिवार का प्यार, उसका विश्वास और उसका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग साथ बने रहोगे तो ये काम नहीं है, ये आगे की बात नहीं। साहब मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और यह साधुपुर के अंदर एक सरकारी कॉलेज की आप लोगों की मांग है, है? अशोक गहलोत आपको घोषणा करके गए, कब करके गए? मैं अभी आपको बता दूं, एक महीने पहले की ना, मैं अभी आपको इसीलिए मैं कागज लाई, 2008 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में की गई जो मैंने वादे, सबसे पहले बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा, बिजली की दरें 8 बार बढ़ी हैं, 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा मिल रही है, किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली देने की घोषणा हुई, तबादलों के लिए पारदर्शी नीति बनाने की घोषणा हो गई, नए जिलों की घोषणा, राज्य कर्मचारी को केंद्र के समान वेतन देने की घोषणा, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को वेस्टलैंड का आवंटन। अब आगे में मैंने जो जो बातें कही है ना, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगा, मेरे से कहलवा दो फिर अगली बार आपका हो जाएगा, कोई ना कोई दौड़ता आएगा तो कोई ना कोई टेलीविजन देख ही रहा होगा कि क्या बोल रही है, कुछ ना कुछ आगे कर ही जाएंगे। 5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हो गया ना, तो सबको मिल गई। तो हमारे समय में 10 लाख हमने गैर सरकारी और सरकारी नौकरियां दी थी, तो मैंने यही कहा कि ये 4.5 साल निकल गए, अभी तक क्यों नहीं दी, किसी को नहीं दी है। तो घोषणा पत्र में तो ये कहा है कि चिंता मत करो, 5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। नगरीय विकास कर को तर्क संगत बनाने की घोषणा की, हो गया। पेट्रोल और डीजल पर स्थानीय करों में छूट, हो गया। अरे हो गया होगा, सब चीज पे नाना बोल देते हो आप लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, रिक्त पद, ये सब नियुक्ति करने की पूरी पूरी नियुक्ति हम कर देंगे, हो गए। अब मैं क्या पढ़ूं, ऐसे तो कितने सारे वायदे हैं। मैंने तो सबको ये कह दिया कि मैंने अपने 5 साल में कभी भी आज तक चुनाव के लिए या वोट के लिए कोई झूठी घोषणा नहीं की। जो भी घोषणा है उसको हमने सोच समझ के की, और मैं सबको कह देती हूँ कि मेरे से मत करवाना घोषणा, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकती हूँ मैं नहीं करूँगी, परंतु जो हो सकता है वो करूंगी। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत तो क्या बनाएगा, हम लोग कॉलेज बना के आपको देंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और बस एक ही बात और कहना चाहूंगी, ये अकेले का काम नहीं है, मैं फिर कहूंगी ये अकेले का काम नहीं है, ये काम हो गया कल अपनी सरकार बन जाती है और आप लोग वहां पहुंचोगे कि हमारा कल काम कर दो, टाइम लगेगा। राजस्थान को फिर से अपने को अपने पैरों पे खड़ा करने की जरूरत है। आप और हम कमर कसेंगे,
तो ये राजस्थान का सपना पूरा कर लेंगे। तैयार हो क्या? तैयार हो? उसके बाद फिर मुंह मोड़ के पीछे नहीं देखने का है, आगे देखने का है। सब लोग आगे देखेंगे और एक नया राजस्थान बनाने का काम करेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि कोई नहीं आपके इस विकास को रोक पाएगा। ये आप और हम मिलके करेंगे, एक नया राजस्थान बना के उसका मजा लेंगे। आपको बहुत सारा प्यार। एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी। एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी। और एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। कितना अच्छा है कि बीच बीच में बादल भी कड़क रहा है, पानी भी पड़ रहा है, आप भी ताली बजा रहे हो, मजा ही मजा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को सबको खुश रखें, समृद्ध बनाए और इस राजस्थान को एक ऐसे जगह पे ले जाए जहाँ मैं समझती कि कोई भी और प्रदेश नहीं गया है। एक अग्रणी प्रदेश बनाएंगे हम लोग मिलके। यही कह के आप लोग सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार।